सिविल अस्पताल पठानकोट में लगातार बढ़ने वाले चोरी के मामले को देखते हुए सिविल अस्पताल प्रबंधन की ओर से लगातार जिला पुलिस प्रशासन से ये गुहार लगाई जाती रही है कि उनके अस्पताल में एक स्थायी तौर पर चौकी की स्थापना की जाए, जिससे लोगों की मेहनत का पैसा इस तरह चोरों के हवाले से जाने से बचे। जिला पुलिस प्रशासन ने सिविल अस्पताल प्रबंधन के कहने पर वहां पर स्थायी तौर पर एक चौकी की स्थापना कर दी है, जिसके इंचार्ज ASI जगतार सिंह को नियुक्त किया गया है। जगतार सिंह की ओर से अब सिविल अस्पताल प्रबंधन में उन्होंने जितनी भी बाहर से लगी हुई एम्बुलेंस थी उन्हें बाहर निकलवाया, और साथ ही जो लोग नशा संबंधी केंद्र से दवाइयां लेने के लिए आते हैं उन पर भी पैनी नजर बनवा करके रखी कि वो दवाई ले और घरों को निकलते जाएं। उन्होंने कहा कि अब उनकी पूरी तरह से ये कोशिश रहेगी कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई लूट खसूट या फिर चोरी चकारी ना हो, ताकि लोगों को और ज्यादा अधिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके बावजूद भी अगर यहाँ पर इस तरह के मामलों में बढ़ोतरी होती है तो वो अन्य योजनाओं पर भी गौर करेंगे। मानयोग SSP साहब दी हदायतों के अनुसार जो मैनू इतने सिविल हॉस्पिटल चौकी इंचार्ज लगाया गया, और जेडे अपने नशा मुक्त जो नशेड़ी ने दवाई लैन आते ही पहला लैके तो काफ़ी इतने जरा दवाई लैके तो सौंते ही और काफ़ी रश रहा ही। हूँ उन्होंने अं बड़े प्यार के तरीके उन्होंने हदायत की है भी अपनी दवाई लैके जो तीन आराम अपने घर जाके अपनी रेस्ट करो, और उस दिन का काफ़ी बार इन्हों बहुत बड़ी प्यार समझाया समझाने से बहुत इन्होंने इन्होंने असर होया, और हूँ आते ने लैन के अपनी दवाई लैके जेडे इस तरह कोई दवाई लैन आते ने जोड़ा कोई कोई नक्स आदमी कोई बेचता जे और फड़िया गया तो उत्ते FIR दर्ज करा और जो कानूनी कार्रवाई है उससे कार्रवाई करा, और किसी भी हालत भी किसी भी नशेड़ी जोड़ा वो अं नहीं बख्शा। दूसरा इतने मानयोग अपने SMO साहब वालों सू हदायत की गई कि प्राइवेट एम्बूलेंस ने इतने जड़िया ने काफ़ी इधर डेड हाउस के लागे लगिया रहा ने तो लोगों को परेशानी पीती है, और प्राइवेट एम्बूलेंसा सारिया ही सिविल हॉस्पिटल के बहरले पासे कढ़ाती ने, और सिविल हॉस्पिटल कोई भी एम्बूलेंस प्राइवेट जी आन की आग्ञा नहीं दी गई है, और स्कूटर ने मोटरसाइकिल ने जिस तरह डेड हाउस में टेढ़े मेढ़े करके लाहड़ते ही जो डेड बॉडी आती ही लोगों को प्रॉब्लम पीती ही, ये करके डेड हाउस में आने वाला रस्ता जरा नशा मुक्ति केंद्र वालू वो सारा ही क्लीयर कराता तो हूँ हॉस्पिटल के जड़े दवाई लैन आते हैं कोई भी मरीज आता वो बड़े वधिया आसानी के अपनी दवाई लैके अपने घर वो जो चोरी का मुख्य कारण यही कि जो नशेड़ी दवाई लैन आते ही वो इतने फिर कट्ठे हो के इतने योजना बनाते कि अं फलाने थान रात जी चोरी करनी है, और जो बंदा वेला हों वो मन के काफ़ी जोड़े योजे गलत विचार आते हैं तो उन्होंने अं हूँ उस दिन की इन्हों की डंडा परेड भी की आ, तो हूँ जिस दिन के अं मैं 28 तरीक का आया उस दिन का हूँ काफ़ी जरा सुधार है, अब तक चोरी कोई नहीं हुई और ना ही चोरी हो दी जाएगी हॉस्पिटल के।